गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज पटना आया हुआ था तो देख सकते हैं यहाँ पर पटना स्टेशन का। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर देखा था वीडियो, ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा था कि कलर चेंजिंग होता, तो मैंने भी सोचा चलता हूँ पटना थोड़ा सा देख लेता हूँ ये कलर चेंजिंग का जो माहौल आपका है वो खास करके मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर हर एक लगता है 10 सेकंड पर कलर बदल रहा है, ठीक है, देखिए कितने सेकंड पर बदलता है। और यहाँ पर प्रतिमाएँ बनाई गई हैं, देखिए महात्मा बुद्ध का है, शांति स्तूप का है आपका, ठीक है, और वहाँ पर देख सकते हैं अशोक स्तंभ का, ठीक है, आप पेड़ बना हुआ है वहाँ पर भी ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। तो हर एक 10 सेकंड पे यहाँ पे लाइटनिंग बदल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये पटना जंक्शन है और ध्यान से देख लें आप लोग, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देख सकते, देखिए फिर कलर चेंजिंग हो गया, और उधर में भी कुछ बना हुआ है लेकिन शायद यहाँ से बोधी ब्रिज का भी बना हुआ है, ठीक है, और कुछ कुछ बना हुआ जो कि यहाँ से दिख नहीं रहा है क्लियरली, तो आप लोग देख सकते हैं। और इधर महावीर मंदिर में दिखा देना चाहता हूँ आपको, देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कलर चेंजिंग हर एक 10 सेकंड पे होगा, ठीक है, हर एक 10 सेकंड पे आपका यहाँ पर कलर चेंजिंग होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले जो भी। देखिए फिर कलर चेंजिंग हो गया आपका, तो देख सकते हैं फ्रेंड फिर से कलर चेंजिंग हो चुका है। देखिए यहाँ पे पूरा नहीं, यहाँ पर इधर थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको हनुमान मंदिर भी इधर का देख लीजिए, ठीक है आप लोग। और तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और यहाँ पर ओवर ब्रिज भी आपका है पटना महावीर मंदिर के बाहर का, तो ये भी आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इधर में है। लीजिए आपका भी ले लेते हैं।